आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पिछले एपिसोड में अजामिल की कथा का वर्णन मैंने किया था। नेपाल के एक ज्योतिषाचार्य हैं तारानाथ भंडारी जी। तो तारानाथ भंडारी जी ने मुझे फ़ोन किया और ये पूछा कि भगवान तो ये जानते थे कि जो अजामिल है वह उनको नहीं पुकार रहा, अपने बेटे को पुकार रहा है, फिर भगवान उसकी पुकार पर क्यों दौड़े चले आए? क्या उनको पता नहीं था कि वह उनको नहीं पुकार रहा? तो मेरे मन में ये जिज्ञासा है, आप इसका उत्तर यदि मुझे दें तो अच्छा लगेगा। अब जिज्ञासा मन में उठती है, लोग प्रश्न पूछते हैं, ये शुभ संकेत है कि वे कुछ विचार कर रहे हैं, भीतर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि मन के बहुत सारे गुंजल होते हैं जिनके उत्तर चाहिए होते हैं, और यदि उनको एक दिशा मिल जाए, कोई उलझ गया है धागा, अगर उसका सिरा निकाल कर कोई खोल दे या थोड़े से प्रयास से वो खुल जाए तो बात बन जाती है। तो उनके इसी प्रश्न का उत्तर तुलसीदास जी ने अपनी इन पंक्तियों में दिया है, जिसको मैं स्पष्ट करूंगा उस कथा से भी जोड़कर। भाए कुभाए अनख आलसाहु, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करहूँ नाई रघुनाथ ही माथा। अभी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है, राम का जो नाम है, चाहे आप अच्छे भाव से लें या बुरे भाव से, दोनों रूपों में राम जी उसे स्वीकार करते हैं। अब अजामिल ने चाहे अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन उस समय उसकी पुकार में जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, और जो नारायण उसने पुकारा, उस पुकार से जो भीतर की हूक उठी, वे श्री हरि तक पहुँचे। क्योंकि कहते हैं ना, सब नाम रूप उसी के तो हैं। अब वो जो अजामिल का पुत्र था, वो कोई उस परम पिता से भिन्न थोड़ी ना है। एक नूर ते सब जग उपजया, हम सब क्या हैं, उसे एक विशाल अग्निपुंज की छोटी छोटी सी चिंगारियां हैं। तो वह जो पुकार अजामिल की अपने पुत्र के लिए लगी, वह पुकार इतनी गहराई से उठी थी, इतने अंतरतम से उठी थी, कि वह उसके पुत्र से होती हुई सीधी भगवान के श्री चरणों तक पहुंच गए। प्रश्न है पुकारने का, कि आप किस भाव से पुकार रहे हैं। और तुलसीदास जी जो कहते हैं, अभी जो इन्होंने कहा कि चाहे आपका अच्छा भाव है या बुरा भाव, किसी भी भाव से आप राम को पुकारेंगे तो राम अवश्य सुनेंगे। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण का गान, कृष्ण का नाच सदा उसके भीतर अहिर्निश रहता था। वह भगवान कृष्ण को बहुत अच्छे भाव से भजती थी, लेकिन उसके समानांतर कंस भी था। कंस भी हर समय भगवान कृष्ण का ही नाम जपता रहता था बुरे भाव से, और दोनों परमात्मा के द्वारा स्वीकृत हुए। मीरा परमात्मा में समा गई और कंस को परमात्मा ने स्वयं अपने में समा लिया, उसका वध करके। दोनों ही स्थितियों में कंस हर समय भगवान के जन्म से भी पहले से ही, अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है कृष्ण का, उससे पहले से ही वह कृष्ण की स्मृति में डूब चुका है। भय के कारण ही सही, खौफ ज़्यादा होकर वो हर समय कृष्ण के ख्यालों में है, भयंकर रूप से आतंकित है। और जब कृष्ण का जन्म हो जाता है, उसके बाद भी कृष्ण के अतिरिक्त कंस को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा।
जैसे हनुमान को राम दिखाई देते थे, हर समय राम ही राम दिखाई देते थे हनुमान को, पूरा राममय थे हनुमान। इसी प्रकार से रावण को भी सिवाय राम के कुछ नहीं दिखाई देता था, हर समय राम के भय से रावण भीतर ही भीतर कंपता रहता था और राम नाम जपता रहता था। दोनों ही भावों से तुलसीदास जी कह रहे हैं, चाहे आप किसी भी भाव से राम का नाम जपिए, अच्छे भाव से या बुरे भाव से, लेकिन वे सभी आपकी पुकार स्वीकृत होंगी, सुनी जाएंगी। और चाहे आलस में होकर आप राम का नाम लीजिए, आलस्य के साथ। कुछ लोग कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नदी में स्नान करो, स्नान करने के बाद और तीन चार तरह के रीति रिवाज बताते हैं वो करो, उसके बाद बैठो, इस दिशा में बैठो, उधर मुंह करके बैठो और फिर भगवान का नाम लो, फिर राम का नाम जपो। और कुछ आलसी होते हैं, वो कहते हैं हमें ये सब नहीं करना, मलंग है हम तो पड़े पड़े आलस के अंदर ही राम का नाम जप लेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो नहा धोकर स्नान ध्यान करके तिलक इत्यादि लगाकर राम का नाम जपने बैठा है, उसकी पुकार क्या राम जल्दी सुनेंगे? और वो जो आलस में अपनी खटिया पर ही बैठे बैठे राम का नाम ले रहा है, उसकी पुकार क्या इसलिए नहीं सुनेंगे कि भाई तू तो उठ के नहाया धोया भी नहीं, बिना नहाए धोए तू मेरा नाम जप रहा है? नहीं, किसी भी भाव से। एक स्थान पर तुलसीदास जी ने कहा है इसी बात को लेके, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। राम का नाम तो बीजों के समान है। जिस प्रकार से बीज आप चाहे उल्टे सीधे तरीकों से फेंको, लेकिन वो उगते ही उगते हैं। कि और चाहे प्रसन्न होकर फेंको या दुखी होकर फेंको या गुस्से में फेंको, उनको उगना ही उगना है। अब ये बात अलग है कि बेतरतीब से फेंके हुए बीज थोड़े टेढ़े मेढ़े उगेंगे और सही ढंग से फेंके हुए बीज थोड़े सीधे उग जाएंगे, लेकिन वे उगेंगे ज़रूर बीज। तो अगर आपने राम का नाम उच्चरित किया है तो फल तो वह देगा ही देगा, चाहे किसी स्थिति में कैसे भी बैठे हों, शुद्ध हों अशुद्ध हों, लेकिन उसका नाम इतना पावन है कि प्रत्येक स्थिति में वो आपका मंगल करेगा, कल्याण करेगा। नाम जपत मंगल दिस चहूं, और क्या है वो, दस हूँ दसों दिशाओं में वह नाम कल्याण करता है। चाहे आप अच्छे भाव से भजें, बुरे भाव से भजें, आलस में भजें, स्नान ध्यान करके भजें, किसी भी विधि से भजें, लेकिन असली प्रश्न तो उसको भजने का है, उसको पुकारने का है। कुमर सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। और कहते मैं उसी राम के नाम का गुणगान कर रहा हूँ और भगवान श्री राम के आगे मस्तक नवाकर ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं उन रघुनाथ की गाथा लिखने जा रहा हूँ, वे मेरी उस गाथा में मेरे सहयोगी बने, मुझ पर कृपा करें और ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं इस कथा को बहुत सुंदर रूप से कह पाऊँ। अब राम से जब प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे हैं तो राम क्या उनके नहीं सुनेंगे? इतने भाव से होकर, इतनी गहराइयों से, इतने विभोर होकर, विह्वल होकर, विगलित होकर वे जब राम को पुकार रहे हैं और फिर उनसे कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर आपके आगे शीश नवाता हूँ कि आप इस राम कथा को लिखने में मेरे सहयोगी हों, उन्हीं से कहा गया है कि तुम ही लिखवाने वाले हो, मैं कौन होता हूँ लिखने वाला।
मेरा तो सामर्थ्य ही नहीं। पीछे भी कितनी जगह भी कह चुके हैं कि मेरी क्या विसात कि मैं राम की महिमा का गुणगान भी कर सकूं। तू ही गवा दे मुझसे, तू ही लिखवा दे मुझसे, तो मैं कुछ लिख सकूं, मैं कुछ कर सकूं, मेरी विसात कुछ नहीं। आगे देखिए, चलते हैं। मोर सुधार ही सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। एक पंक्ति मुझे याद आती है, बहुत प्यारी पंक्ति है। एक किसी मस्त फकीर ने कही है कि मुझे तो सलीका है ना खिदमत का, सलीका है ना खिदमत का, ना बंदे को बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। वो कहते हैं ना सलीका है खिदमत का, ना तो मुझे सेवा सत्कार करना आता है, ना बंदे को बंदगी है, और ना मुझे पूजा पाठ इत्यादि कुछ करना आता, कुछ नहीं आता मुझे, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, कि ये तो सब तुम्हारी ही कृपा है मेरे मालिक, जो अब तक ये बात तूने बनाकर रखी हुई है, वरना मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। और वही बात यहाँ तुलसीदास जी इतने प्यारे शब्दों में कह रहे हैं कि राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, कि राम तो बहुत अच्छे स्वामी हैं और मैं बहुत ही दुष्ट सेवक हूँ, बुरा सेवक हूँ, कुसेवक, अज्ञानी, अनेक अवगुणों से भरा हुआ। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल, दुष्ट और कामी व्यक्ति भला कौन हो सकता है। तो मैं तो ऐसा सेवक हूँ और मेरे स्वामी श्री राम वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मुझ पर कृपा करते उनकी कृपा नहीं अघाती, कि कृपा भी तृप्त नहीं होती कृपा कर करके कि कितनी कृपा कर दी उन्होंने अपने भक्तों पर, इतने कृपालु हैं, कृपा पर कृपा किए ही जाते हैं, किए ही जाते हैं, ऐसे हैं राम जी। मोर सुधारी सो सब भांति, और मुझे तो उन्होंने सब भांति सुधारा है और सुधारेंगे भी। अब रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं, भूले भी होंगे निश्चित रूप से, तो उन भूलों पर वही अपनी कृपा दृष्टि रखकर उन्हें सुधारेंगे भी, मेरे बस का नहीं है, वही सुधारेंगे, उन्हीं का सारा दारोमदार है, उन्हीं का उत्तरदायित्व है, वे ही सब करेंगे। इसे शरणागत कहते हैं, समर्पित हो जाना। अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं ले रहे तुलसीदास जी। निज दिस देख दयानिधि पोसो, और क्या कहते हैं कि ये उस दयानिधि की, उस करुणा निधान की कृपा है कि वो मुझे अभी तक पाल पोस रहा है। अभी कहा है ना, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, की बात अब तक बनी हुई है। क्यों कहा तुलसीदास जी ने ऐसा? जो लोग तुलसीदास जी के जीवन की कथा जानते हैं उन्हें पता होगा कि कितना दर्द सहा है तुलसीदास जी ने अपने जीवन में, कितने दुख सहे हैं, कितने कष्ट सहे हैं। जिस समय जन्म हुआ तुलसीदास जी का, तो उन्होंने ज्योतिषों को दिखाया उनका टेवा, तो ज्योतिषी ने बताया कि देखो ये जो आपका बालक है ना, ये उभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, और ऐसे नक्षत्र में जो बालक पैदा होता है ना, जो भी संतान, वो अपने माता पिता के लिए अशुभ होती है, उनको खा जाती है, इसका त्याग कर दो। अब उस समय में बड़े धर्म भीरु लोग होते थे, बहुत धर्म भीरु। अगर किसी पंडित पुजारी ने, ज्योतिषी ने कुछ कह दिया तो वो सिर माथे से लगाकर उसका पालन करते थे। अब आप सोचिए कि आज आपके घर में संतान का जन्म हो और आपका ज्योतिषी या मंदिर का पुजारी आपसे आकर कह दे कि आपके बालक का जन्म तो उभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है, इसको त्याग दो, इसको अनाथालय में दे आओ,
हो सकता है आप उस पंडित जी को ही अनाथालय में दे आए ले जाकर। मुझे नहीं लगता कि आज के युग में कोई भी माता पिता अपनी संतान को सिर्फ किसी ज्योतिषी के इस बात से कहने से अब त्याग देगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन उस समय लोग कर दिया करते थे और उन्होंने यही किया, तुलसीदास जी को त्याग दिया। अब आप सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जिसको उसके माता पिता ने त्याग दिया हो, कैसा जीवन रहा होगा उसका। माता पिता के प्रेम से वंचित होकर कैसा जीवन होता है ये कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं, सिवाय उसके जिसको माता पिता का सुख ना मिला। कितनी ही व्याख्या मैं कर लूं, सब बेकार हैं। मैं कहूं कि उसका दुख मैं बता सकता हूं कैसा दुख है, सब व्यर्थ की बात होगी, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो सब अनकही है। वो तकलीफ किसी भी चीज़ के वंचित होने का जो दुख है, जो व्यथा है, कोई कही नहीं जा सकती। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे दुखों में रहा हूँ, एक अनाथ की तरह, एक यतीम की तरह मैंने जीवन देखा, और उसके बीच में मेरे प्रभु राम ने मेरी अंगुली ऐसी पकड़ी कि पार ही लगा दिया, मेरा उद्धार कर दिया। और उनकी कृपा ऐसी है कि वो तृप्त ही नहीं होती मुझ पर कृपा कर करके। ये बड़ी बात है, कृतज्ञता का भाव कि उसने कितना दिया है हमें। तुलसीदास जी ये कह कहकर ही तृप्त नहीं हो रहे, और थोड़ा सा हम अपने पर दृष्टि डाल लें। ये बात तुलसीदास जी ने यहाँ क्यों उठाई? हम शिकायतें कर करके तृप्त नहीं होते परमात्मा से कि तूने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, यह ले लिया। कभी ये नहीं सोचा कि राम जी ने दिया कितना है, उनके देने का कोई अंत नहीं है। थोड़ा सा सोचने भी बैठ जाएं कि वे कितना दे रहे हैं हमें, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो जो शुक्राना तुलसीदास जी के भीतर से निकल रहा है वही निकलेगा, पर कभी विचार करने ही नहीं बैठे। अगर चवन्नी भी जेब से गिर गई तो राम जी के नाम पर हाय हत्या मचा देते हैं, जीना दुभर कर देते हैं राम जी का कि तुमने मेरी चवन्नी गिरा दी, हाय मैंने क्या बुरा किया था, तुमने मेरी चवन्नी गिरा दी, मैंने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया, कोई पाप नहीं किया, और राम जी तुमने मेरी चवन्नी गिरा दी। और शाम को राम जी 1 रुपया दे दें कोई फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं होगा कि माथे से सिर लगाकर और 10 मिनट सिर लगाई रहने दे धरती से कि हे राम तेरी बड़ी कृपा, तूने 1 रुपया दे दिया। कोई सरोकार नहीं होगा तब राम जी से, राम जी कहाँ हैं, किस जगह हैं, कोई फिक्र ही नहीं होगी, क्योंकि तब तो भीतर एक जश्न चल रहा होगा कि देखा मेरी मेहनत से, मेरी सूझबूझ से मुझे 1 रुपया मिला। तब सारा श्रेय अपने को देंगे। तो बात यहाँ सबसे गहरी समझने वाली ये है कि आप किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, हर समय उसके नाम को सिमरन करना, उसके नाम को भीतर से उठाना आपके हृदय की प्यास होनी चाहिए। और जैसे जैसे इस प्यास का अभ्यास होगा, जैसे जैसे ये प्यास बढ़ेगी, तो धरती जितनी प्यासी होती है उतना ही सावन भी झूम कर आता है। ये बात याद रखें, हमारे हृदय की धरती से तप्त होकर वो प्यास नहीं उठती जो राम की कृपा के बादलों को, उसके मेघों को बरसने के लिए विवश करें। अजामिल की उठी थी ना, उस ग्रह की उठी थी ना, प्रहलाद की उठी थी ना,
और ऐसे कितने भक्त हैं कि जिनकी पुकार उठी और उसे दौड़ कर आना पड़ा। और द्रौपदी की तो पुकार आप सभी जानते हैं, पता है ना। तो इसलिए किसी भी स्थिति में उसको पुकारें, भाव से पुकारें, और दूसरी बात सदा राम की कृपा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, शुक्राने का भाव रखें। ये दो बातें आज की तुलसीदास जी की तरफ से आपके लिए भेंट स्वरूप है। भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाए रघुनाथ ही माथा। मोरी सुधारी घी सो सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा का घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। लोकौ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृपै सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन मानहि सबहि सुबानी, बनिति भगति नति गति पहिचानी। ये प्राकृत मही पाल सुभाऊ, जान शिरो मनि कौशल राऊ। रिजत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। रिजत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखियै राम कृपाल। उपल किए जल जान जेही, सचिव सुमति कपि भाल। कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनुपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसर कुंवर सुरूपा। जय अंजन नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा, जय जय अविनाशी सब गुण राशि। धाम अखंडानंदा, केवल प्रभु माना परम अमाना। अद्भुत चरित मुकुंदा, अतएव चराचर सकल सुरासुर। गण से सब मुनि वृंदा, तज योग विरागा से अनुरागा। गावत शुभ गुण वृंदा, गावत शुभ गुण वृंदा। जय
उदधि उलंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना तुहि भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना त्रेता द्वापर कलि सत भूषाशक सब सुख राशि अनंता महाकाल स्वरूपा अखत अनुपा गोजन पालक संता भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रै गोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावै सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सदगुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमन अभिनंदन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन।